Hello, students. Welcome to my channel, Chemistry World by Vandana. This is the next part for chapter number one, exercise solution. Some basic concept of chemistry. Already 15 question we have discussed. Now 16, I have next whatever that 22 up to five to six question answer I will discuss in this video. ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपके पंद्रह क्वेश्चन डिस्कस किए अभी इस वीडियो में मैं आगे के सिक्सटीन से शुरू कर रही हूँ आशा करती हूँ आपको ये जरूर समझ में आएगी चलो तो सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन है सॉरी वॉट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो सर्टन डिजिट्स होते हैं उसके पास प्लस एक डाउटफुल डिजिट भी होता है मतलब कुछ नंबर्स हो गए जिसके अंदर एक कुछ डाउटफुल डिजिट भी आता है जो ज़्यादातर हम जिस मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रिसिजन पे डिपेंड होता है कितनी एक्यूरेसी है उस इंस्ट्रूमेंट की जो भी हम डिजिट मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर उसका ज़्यादातर डिपेंड होता है जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि एक लिक्विड है उसका वॉल्यूम 18.75 पॉइंट है तो इसमें वन एट और सेवन ये हमारे सभी सर्टन विजिट है बिल्कुल प्रिक्स है कि हाई बे। एटीन है वन एट है सेवन भी है लेकिन फाइव जो है वो थोड़ा डाउटफुल है इसका रीज़न है क्योंकि सेवेंटी फाइव है तो उस सेवेंटी फाइव में हम एटीन पॉइंट सेवेंटी सिक्स अगर होता है तो वन एटीन पॉइंट एटी आ सकता है अगर एटीन पॉइंट सेवेंटी फोर लेते हैं तो एटीन पॉइंट सेवेंटी आ सकता है मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है वो थोड़ा हमारा डाउटफुल है राइट मतलब ए सेवेंटी फाइव जो है वो एक तो नियरेस्ट एटी हो सकता है या नियरेस्ट सेवेंटी भी हो सकता है लेकिन वो फाइव की वजह से तो ये डाउटफुल डिजिट आ गया इसीलिए एटीन पॉइंट सेवेंटी फाइव एम जो वॉल्यूम दिया है लिक्विड का इसमें इसके चार सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो और वो हो गए वन एट सेवन फाइव तो आशा करती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब आगे का क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सैम्पल है ड्रिंकिंग वाटर का जो बहुत कंटेमिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से इट इज़ सीवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड सपोज टू बी कार्सियोजेनिक इन नेचर द लेवल ऑफ द कंटेमिनेशन इज फिफ्टीन पी पी ई एम बाय मास वे एक ड्रिंकिंग वाटर का सैम्पल दिया है जो लगभग क्लोरोफॉर्म की वजह से पूरा कंटेमिनेटेड हो गया है और उसमें कार्सियाजेनिक है नेचर का है और उसका कंटेमिनेशन लगभग 15 पार्ट्स पर मिलियन है इतना मास से है हमें दो चीज़ें इसमें एक्सप्रेस करनी है कि जो 15 पीपीएम दिया है उसको हमें इन परसेंटेज बाय मास एक्सप्रेस करना है राइट दैट इज परसेंटेज मास इस पर हमें एक्सप्रेस करना है और दूसरा दिया है डिटरमाइन द मोलेटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन होल इन द वाटर सैंपल। मतलब एक सिंपल आप अपने इमेज दिमाग में फिट कीजिए <coughs> कि ड्रिंकिंग वाटर जो कंटेमिनेशन हो गया है क्लोरोफॉर्म में और वो क्लोरोफॉर्म लगभग टीन पी है राइट right? और जो कार्सियोजेनिक नेचर का है कैंसर प्रोड्यूस करे ऐसे नेचर का है तो हमें इस 15 पीपीएम को परसेंट मास पे एक्सप्रेस करना है और उस जो क्लोरोफॉम वाला जो पानी है उसका हमें मोलेलिटी भी निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है परसेंटेज मास ऑफ क्लोरोफॉम का फॉर्मूला है मास ऑफ द क्लोरोफॉम और आपको पता ही है वॉट इज मीनिंग बाय आप फिफ्टीन पी पी एम फिफ्टीन पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन सेंड इज टू सिक्स पार्ट मिलियन का मतलब आपको पता है टेन लैक्स होता है वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लैक्स राइट तो आपका फिफ्टीन पी का मतलब है पंद्रह आपके फिफ्टीन पार्ट है क्लोरोफॉर्म के जो टेन एज टू सिक्स पार्ट में प्रेजेंट है तो जब आप परसेंट मास निकालोगे तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड टेन एज टू थ्री सॉरी सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है 15 10 6 10 2, right? तो फिफ्टीन डिवाइडेड टू सिक्स इंटू टेंट फाइव तो आ गया ये हमारा पहला वाला सेकंड है मोलैलिटी व्हाट इज मीनिंग बाय मोलैलिटी तो देखिए मोलैलिटी का दिया है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ द सोलवीन केजे हमें पता ही मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है तो पता है कैसा होगा मास ऑफ द मास ऑफ द क्लोरोफाम इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफाम का मोलर मास या मोलकुलर मास देखिए आप निकाल सकते कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन और तीन तीन आइटम्स है क्लोरीन के तो ये पूरा हमने कैलकुलेशन किया तो लगभग वन वन नाइन पॉइंट फाइव ए मॉलिकुलर मास है क्लोरोफॉम का मतलब एम की वैल्यू है डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता ही है डब्ल्यू की वैल्यू मतलब उसका मास दिया है परसेंट वन पॉइंट फाइव टेन टू माइनस थ्री परसेंट है परसेंट मतलब वही ग्राम तो, तो वन पॉइंट फाइव टेन टू माइनस थ्री डिवाइडेड वन वन नाइन पॉइंट फाइव ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट वो हंड्रेड ही आता है सॉल्ड वन लेकिन वो ग्राम में है क्योंकि अब परसेंट दिया है मतलब वो ग्राम में है तो डिवाइडेड थाउजेंड और वो थाउजेंड ऊपर चला जाए चलो तो भाई इन सभी चीज़ों को देख लीजिए वन पॉइंट फाइव था ए वन डेसिमल ए बी वन डेसिमल है तो दोनों के पॉइंट चले गए तो फिफ्टीन डिवाइडेड वन वन नाइन फाइव और ये टेडस टू तो माइनस थ्री है और एक ऊपर जाएगा प्लस थ्री तो देख लीजिए वो भी कैंसिल हो जाएगा तो रया बचा आपका टेडिस टू माइनस ए प्लस टू है ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा तो ए आया हमारा फिफ्टीन डिवाइडेड वन वन नाइन फाइव चलो भाई इसको शॉर्टकट करो फाइव से दोनों को डिवाइड किया तो थ्री अपॉन टू थ्री नाइन अब इसको हमें डिवीजन दिखाना है तो यहाँ पे दिखाया मैंने टू थ्री नाइन थ्री हंड्रेड लिया हंड्रेड किया इसलिए जीरो पॉइंट जीरो लिया ए, एक जीरो के लिए डेसिमल और दूसरे जीरो के लिए ए जीरो तो जीरो पॉइंट फिर उसके बाद आपको पता है, वन जार और ये डिवीज़न करके वन टू फाइव राइट तो ए हो गया हमारा यहाँ पे अब ए हमारा इतना था तो इस डेसिमल को मैंने दो हाउस आगे चलाया तो वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो ये माइनस टू और इधर का माइनस टू ऑलरेडी क्योंकि ये डिवीज़न हमारा कितना आया ए आया अब इसी को मैंने आगे दिखाया यहाँ पे वन एक दो हाउस आगे चले जाओ वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंट माइनस टू राइट ऑलरेडी माइनस टू प्रेजेंट है ही और ये माइनस टू कितना होगा माइनस फोर तो वन पॉइंट फिटी फाइव माइनस फोर आपका एम मोलिटी आ गया राइट right? इस तरह से ये हमारा हो गया अब नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल भी है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन ये बहुत सारी जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं आपको और बहुत सारे इसमें काम आते हैं इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है आपके नेट के एग्जामिनेशन हो या एम हो इसी में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ठीक है नीचे वाला आपके दिए हैं लगभग पाँच है नंबर्स उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन आपको पता ही होता है जो भी नंबर है उसको लगभग आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है कि जो भी नंबर है उसको वन डेसिमल में और टेंड्रेस टू कुछ नंबर इस तरह से हमें इसको एक्सप्रेस करना है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन होता है तो चलो भाई पहला नंबर ले, ले लेते हैं हमारा पहला नंबर है आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर एट तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको वन टू थ्री थ्री हाउस आगे चले जाएंगे क्योंकि एक डेसिमल में होता है तो चले गए फोर पॉइंट एट तो आपको पता है लेफ्ट से राइट right जा रहे हो लेफ्ट से राइट right मैंने यहाँ पे दिखाया है तो टेन का पावर माइनस में दोगे आप इसमें दोगे माइनस में तो देख ली, वन टू थ्री हाउस चाहिए इसलिए टेन डेस टू माइनस थ्री आ गया हमारा x इंटू टेन डेस टू माइनस जो भी है अब दूसरा नंबर दिया है हमारा जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर नीचे ले लिया एट थाउजेंड एट है तो यहाँ पे भी आप देखो वन टू थ्री मैं यहाँ से इस हाउस में जा रही मतलब मैं राइट टू लेफ्ट जा रही उल्टा जा रही तो पावर आपका टेंथ का क्या आएगा प्लस आएगा तो देखो वन टू थ्री हाउस है तो एट पॉइंट जीरो जीरो एट टेन डेज टू थ्री चलो इस तरह से आ गया हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन अब नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड दिया है तो इसमें देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ फाइव हाउस राइट तो यहाँ पे देख लीजिए टेन डेज टू पावर फाइव राइट टू लेफ्ट के लिए पावर टेन का प्लस है और ये टू पॉइंट ही एक्सप्रेस करना है नेक्स्ट फोर्थ फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो यहाँ पर देखिए वन टू हाउस फाइव पॉइंट टू हाउस चली गई इसलिए टेन डेस्ट टू टू और एक फिफ्थ है सिक्स पॉइंट यहाँ पर दिया सिक्स पॉइंट जीरो जीरो ट्वेल्व ये वन डेसिमल में ही है लेकिन यहाँ पर हमें टेन का पावर भी दिखाना है तो वन है टेन डेस्ट टू जीरो ले लो क्योंकि वन नंबर मतलब कुछ भी टेन डेस्ट टू जीरो का वैल्यू वन ही आता है लेकिन वो दिखाना जरूरी है इस फॉर्म में एक्स इंटू टेन एस टू ए तो इसलिए ऐसा दिखा दें बिल्कुल सिंपल है आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है हाउ मेनी साइंटिफिक फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नीचे आपके नंबर्स दिए हैं सिक्स नंबर्स उसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स से उसको हमें दिखना है बिल्कुल सिंपल है सिग्निफिकेंट फिगर पर उसके रूल्स है हमें ऑलरेडी आपने इस चैप्टर में देख लिया होगा कि क्या रूल्स होते हैं किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम आ, मतलब समझ सकते हैं उसके रूल्स के हिसाब से आपको पता ही होगा कि अगर सिग्निफिकेंट रूल आपको देखना है तो जो भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है आपको दिए लगभग यहाँ पे कितने सिक्स नंबर दिए हैं राइट तो उसमें अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालना है तो किस तरह से हम निकाल पाएंगे तो उसके लिए बिल्कुल आप शांति से उसको देख सकते हैं जैसे पहला वाला दिया है आपको कि भाई अगर यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ट्वेंटी फाइव दिया है तो इसमें किस तरह से मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकाल सकती हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए आपको सबसे सब पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखना है आपको कि डेसिमल के बाद के जो जीरो है दिस जीरो हैज़ सम आपको उसका कुछ मतलब मतलब इसकी वैल्यू है राइट right? तो आपके देखो यहाँ पे दो जीरो दिए हैं आपके राइट right? इसलिए इसका कुछ वैल्यू है तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें सिंपल यू टू जस्ट राइट डाउन कि जितने दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके हिसाब से आप देख लो कितने आएंगे ए डिसिमल के बाद दो ही नंबर है दो नॉन जीरो है तो टू आए आप डिस राइट अब यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए टू जीरो एट एज जी जीरो है आपके दो नॉन जीरो नंबर के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इसकी भी वैल्यूएशन है तो वन टू थ्री आ गए थ्री अब आपका नेक्स्ट थर्ड दिया है फाइव थाउजेंड फाइव फाइव थाउजेंड फाइव में भी आप देख लीजिए दो तो जो दो जीरो जो आपके प्रेजेंट है दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर्स राइट मतलब इसको भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो आप देख लीजिए फाइव थाउजेंड फाइव में फाइव थाउजेंड फाइव में चार नंबर्स आए इसीलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा दैट आर द फोर अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका दिया है वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड है अब देखिए यहाँ पे जो जीरो दिए हैं वो लास्ट आप इसके इसमें दिए हैं आपके दिख रहे हैं आपको अब इसमें जीरो आपके जो है लास्ट में आए हैं अब इस जीरो को यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन नहीं है इसीलिए जब भी आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालोगे तो आप देखोगे कि उसकी यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं है इसीलिए आप देखोगे कि जब हम इसको काउंट कर रहे थे तो लास्ट आपका जो आया यू फाइंड दैट कि इसमें सिर्फ नॉन जीरो वाले नंबर वन टू सिक्स ये तीन ही हैं इसलिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आया थ्री आया चलो अब नेक्स्ट नंबर है फोर्थ वन इसमें फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो दिया है देखो डेसिमल के बाद आपका जीरो आया है राइट right? सो so, जीरो जो आया है डिसिमल के बाद है तो इस जीरो का भी आपका यहाँ पे क्या है यू हैव जस्ट टू बी इसके लिए आपको यहाँ पे इसका डिसिमल के बाद के जीरो जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू है इसलिए आप जब यहाँ पे लिखोगे तो इसमें आप लिखोगे कि दिस हैव सम वैल्यूएशन तो सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे आपके जो रूल्स है उसमें से जैसे देखते हैं हम कि जो डिजिट होता है आफ्टर द डिजायर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट्स देखो मैं यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे बता देती हूँ कि भाई किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं तो क्या रूल्स है तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि जैसे रूल्स दिए उन्होंने कि भाई आप जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हो कि भाई जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो उसके लिए क्या होता है जो जीरो होते प्लेस एट द एंड राइट जो जीरो आपके एट द एंड में होते हैं या टू द राइट ऑफ द नंबर्स दे आर मोस्टली यू फाइंड दैट उनका जो होता है जैसे आपके जितने भी जीरो नंबर सपोज ये पे रखे हुए द जीरोज़ विच आर प्लेस एट द एंड और टू द राइट ऑफ ए नंबर अब ए नंबर दिया है देखो इस नंबर का राइट right पार्ट में सपोज जो भी जीरो है राइट दीज आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड डी आर ऑन द राइट साइड ऑफ डिसमल जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ए वाला देखिए ए नंबर ए है उसके राइट right पार्ट में है देखो ए वाला है ना ए देखिए तो जितने भी जीरो आपके एंड में है और वो लगभग डेसिमल पॉइंट के राइट right में है तो उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो काउंट होते राइट ए सिग्निफिकेंट काउंट हो गए लेकिन जीरो विच आर बिटवीन द जो जीरो है आपके ये देखो एक दो तीन ये दिख रहा है आपको द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट जो आपके जीरो है ये वाले दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है दे आर सिग्निफिकेंट तो उनको भी हम पकड़ेंगे राइट right? उसके बाद ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरो है वो सभी सिग्निफिकेंट है सभी नंबर्स को हमने काउंट किया है उसके बाद और आपका दिया है जिसे ऑल जीरो विच आर मोस्टली आपको दिया है जिसे यहाँ पर जितने भी जीरो है आपके राइट right साइड में देखो यहाँ पर राइट साइड में है लेकिन जो लेफ्ट साइड में डेसीमल का देखिए ए डेसिमल का ए नॉन जीरो के आगे ए जीरो है इसका कोई वैल्यूएशन नहीं मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है राइट right? इसीलिए आप इसको लिखते वक्त आप यहाँ पे देखिए दीज आर जीरोस विच आर प्लेस बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स राइट सो दीज आर सिग्निफिकेंट तो वन टू थ्री फोर फाइव तो पाँच आ गए राइट तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बता सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं तो रूल्स से भाई कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जो जीरोज प्लेस होते हैं बिटवीन नॉन जीरो दीज आर सिग्निफिकेंट होते हैं और आपके जो जीरो विच आर प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स बराबर है दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट मतलब जो जीरो ये देखो जीरोज विच आर प्रिडिंग प्रिस मतलब आगे है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मतलब नॉन जीरो नंबर के आगे है उन जीरोज का कोई सिग्निफिकेंट मतलब नहीं दीज आर हैविंग नो मीनिंग्स राइट इसका कोई मीनिंग नहीं है तो चलो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद नेक्स्ट है आपका राउंड ऑफ द फॉलोइंग थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स चलो नीचे दिए हुए हैं उनको मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है तो देख लीजिए थर्टी फोर पॉइंट टू वन सिक्स आपको पता ही है टू वन सिक्स अगर मुझे इसको राउंड अप करना है तो इसको मैं थर्टी फोर पॉइंट टू तक ही करूँगी राइट तो यहाँ पे आपका आ गया थ्री फोर पॉइंट टू तीन सिग्निफिकेंट पागर अब यहाँ पे देख लीजिए सेकंड नंबर टेन पॉइंट फोर वन जीरो सेवन दिया है अब इसको थ्री सिग्निफिकेंट चाहिए वन जीरो तो ऑलरेडी दो है अब ये फोर वन जीरो सेवन को मुझे सिर्फ एक डिजिट तक ले जाना है तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि ये जो आपका दिया है ये देखिए ये वन जीरो सेवन ए देखो फोर्टी वन दिया है तो फोर्टी वन का फोर ही आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा राइट इसलिए टेन पॉइंट फोर अब जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव नाइन सेवन हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो वन टू ये तो फिक्स है अब ये नाइन्टी सेवन जो है उस नाइन्टी सेवन को देखो वन डिसिमल के बाद का ये चलेगा वन टू इस फाइव नाइन्टी सिक्स फाइव नाइन्टी सेवन सॉरी फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन इसको हमें नियरेस्ट इसमें ले जाना है और वो फाइव नाइन्टी सिक्स सेवन को हम ले जाएंगे सिक्स हंड्रेड बराबर है तो इसको किसके नजदीक ले जाएंगे सिक्स राइट right? इसलिए इसमें सिक्स हंड्रेड में हमें सिर्फ तीन चाहिए तो वन टू थ्री हम सिक्स हंड्रेड भी नहीं लिखेंगे वो एक्चुअली ये कैसा आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स जीरो जीरो लेकिन हमें थ्री सिग्निफिकेंट नंबर तक चाहिए है तो आपको पता ही है थ्री सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें अगर चाहिए तो यहाँ पे ये जो जीरो इसका कोई नहीं है तो हम लिखेंगे इस तरह से जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स ए वन टू थ्री फोर्थ में देखिए टू एट जीरो एट राइट right? इसको हमें कितने सिग्निफिकेंट थ्री तक ले जाना है तो हम क्या करेंगे टू एट तो हमारा ही लेकिन इस ज़ीरो की भी वैल्यू है तो जीरो एट को नियरेस्ट नंबर ले जाना है तो आपको पता है टेन में आएगा वन टेन तो हम लीजिए वन टू थ्री इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो आगे ठीक है चलिए तो नेक्स्ट सत्ता है आपका <clears throat> आगे का हाँ इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज थ्री पॉइंट जीरो टेंडेस टू एट मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन टू नैनो सेकंड अगर लाइट का स्पीड थ्री इंटू टेंड्रेस टू एट मीटर पर सेकंड है तो जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया दो नैनो सेकंड में उसको कैलकुलेट करना है बिल्कुल सिंपल है स्पीड ऑफ द लाइट इज थ्री इंटू टेंड्रेस टू एट मीटर पर सेकंड है राइट टाइम दिया है टू नैनो सेकंड तो टू इंटू टेंड्रेस टू माइनस नाइन सेकंड आ गया हमारा टाइम ऊपर का स्पीड अब हमें पता है डिस्टन कवर बाय द लाइट स्पीड दिया है टाइम दिया है तो उससे हमें डिस्टन जो लाइट ने कवर किया वो निकालना है व्हाट इज डिस्टन इज इक्वल टू आपको पता है आपके पास एक्चुअली फॉर्मूला क्या है स्पीड इज इक्वल टू स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकिन हमें डिस्टेंट कवर करना है तो स्पीड इनटू लाइट लेना पड़ेगा तो डिस्टेंस कवर बाय लाइट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड दिया है थ्री इंटू टेन डेस टू एट मीटर पर सेकंड अब टू नैनो सेकंड दिया है नैनो सेकंड को आप कन्वर्ट करो सेकंड में टू इंटू टेन डेस टू माइनस नाइन सेकंड तो टू इंटू थ्री सिक्स और एट और माइनस नाइन टेन टू माइनस वन मीन जीरो पॉइंट सिक्स आपका मीटर दिस इज़ द डिस्टेंट कवर बाई द लाइट इन टू नैनो सेकंड सो आप यहाँ पे ए आंसर आपका आ गया आशा करती हूँ आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सोल्यूशन इसमें डालूंगी अगर आपको कोई भी सजेशन देने हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स थैंक यू